होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 17 जुलाई और आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई रिटर्न। तो फिर चाय वाय हो गया, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। अभी टाइम 9 बज रहा है, रात भर लाइट नहीं थी, छत पे सो रही, इतना मच्छर काटे थे कि आप गर्मी भी इतनी होती। परसों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी थोड़ी बारिश हुई है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, गर्मी होती रहती कितना ही बारिश हो। और देखो यहाँ की हरियाली हरियाली, देखो ये आंगन में लगा है हम लोगों के, और ये है कप्तानगंज पूरा बैक साइड, ये फ्रंट साइड। ये नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा था। इधर मम्मी, बड़ी मम्मी कपड़े फैला रही हैं, मैं बोली थी कपड़े मत धो, धोली, अभी बारिश आ गया सूखेगा नहीं, पता नहीं। ये देखो नीम का पेड़, यहाँ पे नहर है, नहर दिख नहीं रहा है नीम के पेड़ के वजह से, नहर। ये और ये रोड है, मेन रोड है ये। ये देखो नीम का जो फल होता है ना वो है, इसका तेल भी बनता है, ऐसा बोल रही थी बड़ी मम्मी। कुछ मतलब वो होता है ना, जख्म विकम होता है ना, उस पर ये तेल लगाते हैं तो अच्छा हो जाता है। ये बाजू वाली ने कुछ लगाया है, ये देखो इस साइड गाय चढ़ जाते हैं, देखो कैसे बारिश में इधर सब जम जाते हैं, प्लास्टर नहीं किया है इसीलिए। मिनी गार्डन, ये देखो आलू के पत्ते भी हैं, और ये चाय पत्ती या अदरक ऐसा तो है, बताना आपको क्या है चाय पत्ती के अंदर। और ये क्या है, ये क्या है मेरे को नहीं पता, अम्मा हाई कौन पेड़ है। और ये बेल पत्र भी, हाई हाई पियर पियर फूल आता हूँ, अड़ाऊ नहीं वो कुछ सब्जी है कोई, ये कोई सब्जी नहीं है ये वाला। और ये सब रोशनी का काम होगा, ये एलोवेरा वही लगाती, बहुत सारा लगाई तुलसी माता इतनी सारी। और ये पीला वाला है, और ये है ये कबाड़ वबाड़ सब कोने में डाला हुआ है। देखो तुलसी माता को देखो कितनी मस्त हुई है, बाप रे इतनी सुंदर। और ये और इसको कौन सा फूल बोलते हैं हिंदी में, ये पुदीना है, अरे पुदीना है ना नीचे, वहाँ हाँ ये गेंदे का फूल है। और ये रेड वाला, ये बना था भी खाया था। तो गाइस फाइनली मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और कूलर के सामने बैठ गई हूँ और थोड़ी हवा खा रही हूँ, मैं बाल को थोड़ा ड्राई कर रही हूँ। और फिर हम लोगों का सारा पैकिंग वैकिंग हो गया है, फिर हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। और ये मम्मी का पैर भी कलर हो रहा है, भाभी पैर को कलर लगा रही है मम्मी का। और फिर यहाँ पे बाबू, मैं वॉइस ओवर को भी बाबू यहाँ पर पढ़ाई करा है बुक लेके। तो बस आज हमारा लास्ट डे था गांव में और फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं जो कि 5 मिनट का डिस्टेंस है। और ये मेरी भतीजी रोशनी, और फिर हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। मम्मी बड़ी मम्मी रो रो के बहुत रोती, सबको लग रहा था बहन लोग, बाद में पता चला ये सबको देवरानी जेठानी है। फिर पहले सब ऐसे ही रहते थे ना, रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता था, एकदम बहन जैसा प्यार रहता था देवरानी जेठानी में। और ये रास्ते का है व्यू, जैसे हम लोग निकले वहाँ का व्यू है। और फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया ज़्यादा, अभी फिर मैं आप लोगों को घर पे ही मिलूंगी, ठीक है।